चार्ज भी हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर दफ़ा बोलती हूँ, आज क्या है, आज बड़ा स्पेशल डे है। आज कोई ख़ास गेस्ट हमारे आने वाले हैं जिनको अभी हमने रात को 12 बजे लेने जाना है। और हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो आप मेरे पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैंने सर पे अंडा और दही लगाया हुआ जो कि बहुत हेल्पफुल है बालों के लिए। और अभी मैं शावर ले चुकी हूँ और इसके बाद जल्दी जल्दी हमें रेडी होना है, उसके बाद फिर हमने वन डिश पार्टी में जाना है और फिर कहीं और जाना है। तो नहाने का मतलब होता है कि दुख, क्योंकि जब मैं शावर लेती हूँ ना इतने बाल निकलते हैं, इतने बाल निकलते हैं कि उन बालों को देख के ही बंदा परेशान हो जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास ना एक मेरे बाल ही खूबसूरत है, बाकी तो बस गुजारा ही हो रहा है। तो जब ये उतर जाएंगे तो क्या बनेगा कुछ समझ नहीं आता। इससे पहले मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा अपना आउटफिट दिखा दूँ और फिर अब तो रात होगी, वैसे पिक्चर लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे, तो फिर अपने ब्लॉग पे भी लगा दूँगी इंस्टाग्राम पे। यस, मैं जा रही हूँ नीचे। अच्छा जी, अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और आप ये ज़रा यहाँ के नज़ारे चेक करें। मतलब ये हम लोगों की रोड पे जितने भी नेबर्स हैं ना, ये सब ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब नेबर्स मिलके एक वन डिश पार्टी रखते हैं और फिर इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। तो अभी भी ये वन डिश पार्टी चल रही है, सब अपने घरों से एक एक डिश लेकर आए हैं और फिर वो मिलकर सब खाएंगे और पियेंगे और इंजॉय करेंगे। हाँ, मेक श्योर मैं आपको दिखा सकूँ। हमारी ब्राइड माशाल्लाह आ चुकी हैं। देखें कैसे सारा सीन एकदम से चेंज हो गया। यस, एग्जैक्टली, लाइफ का सीन भी इसी तरह चेंज होता है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए, नो आइडिया। और इंसान ने प्लान्स तो बहुत कुछ किए होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वैसा नहीं होता। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता। अगर मैंने सोच लेती ना अपने माइंड में कि यार इस टाइम पर ये करना है, ये बोलना है, ये करूँगी, पता नहीं क्यों सब कुछ उल्टा हो जाता है। मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ मैं अगेन फ्रंट सीट पर बैठी हुई हूँ। जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया मुझे फ्रंट सीट पर बैठने के बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है। यस, इज्जत मिल रही थोड़ी बहुत। अच्छा जी, अब यहाँ लाइट, गाड़ी में भी लाइट का बहुत इशू आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं बुके लेने और किसके लिए लेने जा रहे हैं वो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा।
रेडी हो रहा है, मतलब मैंने अपना ड्रेस जो है ना वो एक और चेंज कर लिया, सेकंड ड्रेस चेंज कर लिया, और अब हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि मैं उनकी तरफ से कोई कॉल आ जाए कि मेरा प्लेन लैंड कर गया तो फिर आप लोग आ जाए। तो बस अम्मी और पापा रेडी बैठे हैं और हम लोग भी ऊपर नीचे बस इधर उधर घूम रहे हैं। तो जगह जगह अच्छा मैंने नहीं बैठना, नहीं मैं बैठ गई तो साइड पे बैठ, नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो भी बनाऊंगी। बैठ हां मुझे बिठा दो, मेरी कोई चीज नहीं है। अच्छा कुछ नहीं रह गया, हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे। चलो चलो चलो, अभी जल्दी जल्दी पर रोड आया है, दिलवाया नहीं हुआ, वही है। ओह माय गॉड, नहीं पापा गए नहीं, चलो फिर तो आ जाओ, मैं मेरी बेटा सोन चुप ला लो डालो, नहीं हम नहीं चलेंगे, हम यहां से कहते हैं। हां ठीक है, उठा लो, बहुत जुड़े ये ला लो, ला लो, चार पांच मुझे ला लो, पानी तो देते जाने दो। इंडिकेटर उन्होंने तो नहीं लगाया, इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है बस निकाल के इंडिकेटर लगा दिया इधर से, सेंटर वाला बटन दबा दो, हॉटलाइन के पास करते हैं। हां चलो हॉटलाइन पे, ये इधर ले जाओ, बस हो गई, काम हो गया। अभी चलो ना, आप चलिए, तो उन्होंने आप चलिए, चलो उनको आगे जाने दो ना, नहीं डलवाते रहने दो यार, चलो। अब आप जरा यहाँ वेदर चेक करें, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रात को 1 बजे इतनी फोग हो जाएगी कि आगे वाली गाड़ी नजर नहीं आएगी। हम लोग बस अपनी एक्साइटमेंट में भागे जा रहे थे और इंजॉय करते जा रहे थे कि बस ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, बस जल्दी पहुंच जाएं, ये ना हो कि नबील भाई एयरपोर्ट पे आ गए हों और हम लोग यहीं घूम रहे हैं। बट एयरपोर्ट जाके फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारा सीन ही चेंज हो गया। देखें ज़रा क्या प्रोसीजर होगा, वो आप बताना पड़ेगा उसको, कतर एयरलाइन। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों को भाई आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा था, तो पायलट साहब को कैसे नज़र आ जाना था जहाज़ के आगे। उसने भी कहा भाई मैंने तो लाहौर लैंड नहीं करना, वो ले गया जी प्लेन को इस्लामाबाद घुमा के। और हम लोग आ गए मुँह लटकाते हुए घर वापस, और नबील भाई पहुंच गए